नमस्कार, आप देख रहे हैं News 22 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। काशीपुर में कोरोना वायरस, काशीपुर का शिक्षा महकमा भी अछूता नहीं रहा। पिछले दिनों बीओ कार्यालय में एक कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद खंड शिक्षा कार्यालय में तकरीबन 20 से ज्यादा कर्मचारियों का सैंपल लिया गया था, जिनकी आई रिपोर्ट में कार्यालय की बीईओ समेत 7 कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। आपको बताते चले कि बीते 8 जुलाई को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव निकलने पर विभाग में हड़कंप मच गया था। एबीईओ कार्यालय को 21 जुलाई तक बंद कर दिया गया था। कार्यालय में तैनात 20 से ज्यादा कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया था। अगले 9 जुलाई को उप शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी सहित 20 कर्मचारियों को सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इसमें से सोमवार आई रिपोर्ट में 7 पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित 7 कर्मी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उप शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी ने बताया कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पॉजिटिव आए कर्मचारियों को कोविड-19 भेजा जा रहा है, जबकि दफ्तर को सैनिटाइज कराने की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। काशीपुर उत्तराखंड से News 22 इंडिया के लिए FU खान की रिपोर्ट। 8 तारीख की हमारी कुछ जांचें थी, जिसमें कि एक आवास विकास के रहने वाले जिनको खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो फ्लू क्लिनिक में गए थे, हमारे पास आए, तो हमने उनको सिम्टोमेटिक जानकर उनका टेस्ट लिया और वो पॉजिटिव पाए गए। तभी हमें खंड शिक्षा अधिकारी जी का फोन आया कि हमारी ये लिस्ट है 13-14 लोगों की, आप इनकी भी जांचें कराइए। कल उनकी रिपोर्ट आई है, उसमें 8 लोग पॉजिटिव पाए गए। सर, एक मंडे की सूचना। अब तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 22 इंडिया। खबर भी, असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।